वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम इससे पहले के वीडियो व्याख्यान में स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय को प्राप्त कर चुके हैं और आज के इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम स्वामी दयानंद के चिंतन का जो मूल आधार था, जिनको मौलिक रूप से वेद माना जाता है, उसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्वामी दयानंद के चिंतन को वेदों के विज्ञान ने प्रभावित किया। और उसी कड़ी में आज हम उनके चिंतन के मूल आधार यानी कि वेदों पर उस संदर्भ में बात करेंगे। दयानंद के चिंतन की आस्था का मूल आधार वेद था। वे वेदों को मानवीयता और ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत और मूल आधार मानते थे। उनकी मान्यता थी कि वेदों में मानवीय कल्याण और उत्थान की सभी दशाएं विद्यमान हैं। वेद मानव द्वारा नहीं वरन ईश्वर द्वारा और पुरुषीय द्वारा रचित है। दयानंद के शब्दों में अगर बात की जाए तो उनका कहना था कि वेदों में निहित विचार ईश्वर द्वारा उत्कृष्टतम ज्ञान के रूप में मनुष्य मनुष्य के लाभ हेतु रचे गए हैं तथा वेदों का अनुसरण करने से मनुष्य का संपूर्ण पक्षीय कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि वेदों में भौतिक लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का समावेश है और उनके अनुसार वेदों में दो प्रकार की विधाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा था जैसे कि वेदों में दो प्रकार की विधाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपरा विधि, इसके अंतर्गत भौतिक और लौकिक पदार्थों, उसके गुणों और लक्षणों की व्याख्या अथवा मीमांसा की गई है। और दूसरी परा विधि, विधा के अंतर्गत सर्वशक्तिमान ब्रह्मा को प्राप्त करने का उपाय एवं मार्ग बताया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो वेदों में वर्णित ज्ञान को स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विज्ञान। विज्ञान से यहाँ पर अभिप्राय है सभी पदार्थों को यथार्थ रूप में यानी कि वास्तविक रूप में समझना। दूसरा है कर्म, तीसरा है उपासना और चौथा है ज्ञान। दयानंद के शब्दानुसार इन चारों में उनके अनुसार विज्ञान सर्वोपरि है। विज्ञान के माध्यम से ही अन्य तीन कर्म उपासना एवं ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। दयानंद ने वेदों से एकेश्वरवाद का ज्ञानात्मक संदेश प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि देवी देवता का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, उनकी पूजा या उपासना नहीं करनी चाहिए। ये काफ़ी एक क्रांतिकारी बात स्वामी दयानंद के श्रीमुख से हमें देखने को मिलती है। उनका कहना था कि देवी देवता का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, उनकी पूजा या उपासना नहीं करनी चाहिए। वास्तविक ईश्वर तो केवल ब्रह्म है। वेदों में वर्णित देवता यथा इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण, ये सभी भौतिक और प्राकृतिक सत्ताओं के प्रतीक हैं। उनके शब्दों में ये सभी देवता उपासना योग्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए इनका महत्व इस कारण है कि ये मानव जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों और सृष्टि व्यवस्था के अनिवार्य तत्वों को समाहित करते हैं। उन्होंने कहा कि वेदों ने मनुष्य को सर्वोत्तम जीवन के संचालन हेतु आवश्यक नैतिक ज्ञान प्रदान किया है। उनके शब्दानुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिन कार्यों को करने की अनुमति दी है उन्हें धर्म, और जिन्हें नहीं करने की अनुमति दी है उन्हें अधर्म कहा गया है। वेदों ने मनुष्य को असत्य से विमुख होने और सत्य का आचरण करने का ज्ञानात्मक संदेश दिया है। दयानंद की मान्यता है कि सत्य के प्रति आस्था और विश्वास हेतु वेदों के संदेश को जीवन में स्वीकार करके समाज,
मानव मात्र के कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर हो जाता है। उनके शब्दों में बात की जाए तो वेदों में प्रतिपादित सदाचरण के सूत्रों में पुरुषार्थ, दया, न्याय, निष्ठता, ब्रह्मचर्य, निर्भीकता, दृढ़ता, परोपकारिता आदि गुण सम्मिलित हैं। वेद मंत्रों के आधार पर दयानंद ने कहा कि मानव जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यम का अभिप्राय जो है वो मानवीय आचरण के शाश्वत और सार्वभौमिक सैद्धांतिक पक्षों की अभिव्यक्ति है। नियम का अभिप्राय यमों के अनुरूप मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार के यथार्थ मापदंडों को समझने की सामर्थ्य है। दयानंद के अनुसार यम के 5 निर्धारित तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। अहिंसा, इसका अभिप्राय सबके प्रति प्रेम को धारण करना तथा द्वेष का परित्याग करना है। दूसरा है सत्य, सत्य से अभिप्राय मन वचन कर्म में सत्य के प्रति निष्ठा से है। तीसरा है अस्तेय, इसका अभिप्राय है अनाधिकृत रूप से किसी वस्तु या पदार्थ की इच्छा न करने से है। चौथा है ब्रह्मचार्य, इसका अभिप्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संयम और मर्यादा का सदैव आचरण और इंद्रिय पर नियंत्रण है। पांचवा है अपारिग्रह, इससे अभिप्राय है अनावश्यक पदार्थों और प्रवृत्तियों में रुचि नहीं लेना और अहंकार के दोष से मुक्त रहने से है। दयानंद ने नियमों के अंतर्गत पवित्रता, संतोष, पुरुषार्थ, अनालस्य, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना को सम्मिलित किया है। दयानंद ने स्पष्ट किया है कि यमों से निर्देशित होते हुए नियमों के संपूर्ण पालन द्वारा मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण व उत्थान को सुनिश्चित कर सकता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्वामी दयानंद के चिंतन का जो मूल आधार था वेद, उसकी एक उनके अनुसार की गई व्याख्या और उनके विचारों के संदर्भ में वेद को नए रूपों में जानने और परखने का इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हमने कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इस संदर्भ में अगर आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप समाधान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो व्याख्यान होगा उसके अंतर्गत हम स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी चिंतन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका राष्ट्रवादी चिंतन किस तरह का था। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।